Life is truly known only to those who suffer, lose, endure adversity, and stumble from defeat to defeat. Let me introduce you to an athlete whose sport changed from track athletics to a lifelong marathon. This is Sayed Ayaz Hussain Shah, once a promising district-level athlete, injured his backbone in a road accident in 1992. Losing the use of his legs at the age of 22. Ayaz Shah still hasn't lost his interest in sports. It's that his sport has changed, but his spirit is the same. Spinal cord injuries happen to people of all kinds. It doesn't just happen to people with proven abilities who know they have what it takes to keep their heads above the water. It can happen to anybody. Some do well, some don't. Doing well doesn't always mean fitting to rehabilitation's traditional definition of success. Sometimes it means the simple pleasure of being content with life, having a measure of self-esteem and looking forward to each new day. Disability might limit mobility, but that doesn't mean restricting lives of these people. Ayaz Shah has learned several skills and earns through different businesses. Besides that, Ayaz Shah is a social worker. अपने लिए तो जीते हैं सब भी इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना सब लोग कहते हैं कि ज़िंदगी एक तल्ख हकीकत है वाक़ियतन ये एक तल्ख हकीकत है और इसने मुझे बहुत सबक दिया बहुत मैंने इससे सीखा जितना ज़िंदगी को मैंने एंजॉय किया है किसी बंदे ने नहीं किया है 100 मीटर मैंने किया है हाई जम्प मैंने किया है लॉन्ग जम्प मैंने किया है दौड़ा मैं हूँ भागा मैं हूँ क्रिकेट मैंने खेली है व्हीलचेयर का मज़ा मैंने चखा है बिस्तरे मार्ग पर मैं रहा हूँ ज़िंदगी का मुझसे ज़्यादा कौन जानता है मैं सोशल वर्कर हूँ देही तरक्याती तंजीम महमदिया प्लेट बाला एक छोटी सी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर 15 बंदों की काम शुरू किया और गांव के लेवल से और अपने लोगों से अपने घर से अपने मोहल्ले से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कुछ इतनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन बन गई और हमने RCDF के नाम से एक क्लस्टर तश्कील दिया जिसमें 80 तंजीमात हैं जलजले वाले दिन मुझे खिदमत खल्क ट्रस्ट वाले ने फ़ोन किया कि शाह साहब दुख्तरान इस्लाम अकेडमी में कुछ लोग फंसे हुए हैं बेसमेंट में तो पता नहीं चल रहा है कि वो एक्सपायर हो गए हैं या ज़िंदा हैं मैंने फ़ौरन गाड़ी ली इधर से और मेरी 14 रुकनी टीम मेरी तंजीम के मेम्बर जो एक्टिव लोग थे सही उनको मैंने साथ लिया और गाड़ी में सेंसा पर पहुँचे तो ऑपरेशन शुरू किया तो एक डेड बॉडी जो है ना 8 घंटे के बाद निकली जब 8 घंटे के बाद एक डेड बॉडी मैंने निकाली मेरे लोगों ने तो मैं उन्हें डांट रहा था एक तरह से कहा यार 8 घंटे में एक डेड बॉडी कितने लोग मर चुके हैं कितने लोग दफन हो चुके हैं कितने लोगों को हम निकालेंगे हमने देखा कि इधर जो है ना इस साइड पर उधर से खुदाई की तो हमें जो है ना वो आसार मिल गए कि ये जो है डेड बॉडी है तो वहाँ पास में एक शेर भी पड़ा हुआ था मेरी शहादत मेरे घर मेरे वतन से दूर होगी मैं पूछूंगी
उससे जो मेरे करीब हूर होगी मुझे आखिरी बोसा भी न दे सकेगी। क्या मेरी माँ इतनी मजबूर होगी? अयाज की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज़ नहीं है। जब भी कोई भी बात होती थी, शुरू से इसके बचपन से लेकर इसकी जो नेचर है, मुश्किल से मुश्किल काम है तो अयाज के सामने डिस्कस करो तो ये कहता था, जी यार ये तो कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में ये वो आदमी है जिसने लड़कों के जहन चेंज किए काम के हवाले से, अपनी मिसाल देकर, अपना मॉडल पेश करके। अब सब कहते हैं यार एक आदमी इस हालत में है और वो अगर इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो ये एक सिंबल है हमारे इलाके में मोटिवेशन के हवाले से। सेटिस्फेक्शन उसी वक्त होती है कि जब मैं जिस कुछ चीज़ को भी करना चाहता हूँ तो वो कर लेता हूँ, तो मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। इंसान अशफल मखलूकात है। मैं दरख्त से इस वजह से इंस्पायर हूँ कि देखें, खुद धूप में खड़ा है, दूसरों को साया प्रोवाइड कर रहा है। पत्थर कुर्बानी देखें किस तरह पेश कर रहा है, उसका सीना चाक किया जाता है, उसे तोड़कर हम घरों में लगाते हैं। हर चीज़ कुर्बानी दे रही है। अगर ये चीज़ें, इन चीज़ों में कुर्बानी देखते हुए इंसान बहुत ऊपर की चीज़ है। ये अशरफ अल मखलूकात इसे बनाया गया है। हम भी इंसानों में एक तरह की एक बरादरी हैं, लोग हैं जो मेरी तरह के हैं, वो अपने आप को माजूर नहीं समझें। सबसे पहली बात तो ये है, चलो उनकी सलाहियतें कुछ जो है ना मालिक की ज़ात ने उनसे ले लिए, वो काम करें, मेहनत करें। अल्लाह की ज़ात भी ये कहती है कि जो मेहनत करेगा उसका फल मैं उसे देता हूँ। राज़िक तो वो है, रिस्क देने वाली ज़ात वो है। वो अगर कहीं कुछ ऐसा कर जाएंगे, ऐसा कुछ सोच भी लेंगे तो वो कुफर के करीब चले जाएंगे। मायूसी कुफर है, मायूस ज़िंदगी में नहीं होना। Ayaz Shah's life is not complete without the support of his family and friends. Ayaz Shah had married only 3 months prior to his accident. His wife was only 16 at that time. He gave her the liberty of deciding her future, whether she wished to stay with him or wanted to leave. She chose to stay. They are blessed with 4 children. He feels a difference of opinion with his father, who has turned blind and has lost hope with life. Ayaz Shah wants him to understand that disability doesn't mean incapability. Opposition is a natural part of life. Just as we develop our physical muscles, we develop our character muscles by overcoming challenges and adversity. For Ayaz Shah, happiness or misery depends upon our dispositions and not on our circumstances. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul.